तो ये है दोस्तों हमारे लिली का मॉर्निंग वाला नाश्ता, और लिली को भाई खुशबू लग गई यार। चल लिली अंदर चल 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 आवा 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 चल आजा 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 इले खा ले। तो मैंने यहाँ पे ना कुकुम्बर टोमेटोज और कुछ हरी सब्जियाँ मिक्स की है, तो इनको बहुत ही अच्छी लगती है हमारे लिली के बेबीज़ को। और इनकी आप साइज़ भी देख सकते हो, अभी इनका जो कलर और पैटर्न है थोड़ा आज इनमें चेंजेस आया हुआ है। और ये है हमारे गिनीज का मॉर्निंग वाला नाश्ता। चलो गिनीज तुम भी आ जाओ, चलो खा लो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। येलो जी ये खाने में लगे। ओके तुम्हारे लिए बहुत ही जल्द यहाँ पे न्यू होम आने वाला है, तो आज ना दोस्तों हम हमारे गिनी पिग्स का जो होम है वो लेके आने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हो चुकी है प्यारी सी मॉर्निंग, और हमारे बजेज और कॉकोडाइल के लिए हमने जो कैल्शियम ब्लॉक लगाए थे यार, ये देख सकते हो भाई इनके ऊपर उन्होंने प्रॉपर अटैक किया हुआ है। ये देख सकते हो यार, मतलब इनको अच्छे से इन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया है। वाओ। और दोस्तों आज मैं हमारे बजेज को देने वाला हूँ कोरिएंडर लीव, जो कि इनका बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है यार। तो ये देखो अभी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, और जैसे मैं रखूँगा सारे हमारे बजेज नीचे आने वाले और बड़े ही मज़े से खाते हैं यार ये। बाकी का मैं इधर रख देता हूँ, क्योंकि यार ये सारे के सारे एक ही जगह पे अटैक करते हैं और फिर ये अच्छे से नहीं खा पाते। और दोस्तों हमारा जो पहला बजी आने वाला है भाई, मुझे पता ही था वैनिला ही आने वाला है, क्योंकि वैनिला और मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छे से है, मतलब वो मुझे ज़्यादा डरता नहीं यार। और दोस्तों हमारे जो पिजन्स है इनको ज्वारी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे ध्रुव भाई को बोलना होगा कि भाई और लेके आए ज्वारी इनके लिए। तो हमारे रैबिट्स को भी मैंने उनका मॉर्निंग वाला डाइट दे दिया, और हमारे पिजन्स भी अच्छे से अभी खा रहे हैं। और हमारे बजीज देखो भाई सारे के सारे बजीज नीचे आ गए, इनको मैं बोला था ना आपको कोरिएंडर बहुत ही ज़्यादा पसंद है हमारे बजीज को। हे गाइस गुड इवनिंग वेलकम बैक। और दोस्तों आज हमें हमारे गिनी पिग्स का जो होम है वो ऐड करना है, ठीक है। तो हमने सोचा है ना यार, मैंने और ध्रुव ने सोचा कि यार इनके लिए हम कुछ मटकियाँ ही लेके आएंगे, क्यों ना ध्रुव सुनना मेरी बात। हाँ बोलना भाई, गिनी पिग्स के लिए मटकियाँ लेके आते यार, ठीक है चलेगा ना भाई। हाँ क्योंकि हमें ना जो बॉक्स होता है ना लकड़ी का, उनका प्लानिंग कर रहे थे, बट लकड़ी का बॉक्स इतने अब कंफर्टेबल नहीं रहते यार, मटकी में थोड़ा ठंडा भी रहते और अच्छे भी रहेंगे यार हमारे गिनी पिग, ठीक है ना ध्रुव। ठीक है भाई चल, तू ही लेके आ यार, मैं तब तक है ना ये टैंक का है ना प्लांटेशन टैंक भी अपने को आज रेडी करना है, ठीक है चलेगा। तो मैं ये देखता हूँ, तू तब तक मटकियाँ लेके आ, ठीक है थोड़ी बड़ी साइज की ना। तो दोस्तों मेरा जो वॉइस है ना आपको थोड़ा कम आएगा, क्योंकि यार थोड़ा तबीयत खराब है यार मेरा समझ लो। तो आज हमें क्या करना है, ये वाला जो टैंक है ना इसमें हम सेटअप बनाने वाले, ओके। मतलब ये जो हमने प्लांटेशन के लिए कुछ सैंड वगैरह लाई थी और कुछ प्लांट्स लाए थे, तो इस वाले टैंक में हम सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरा प्लानिंग चल रहा था कि क्यों ना यार इसे उठा कर हम यहाँ पे रख दें और यहाँ पे हम हमारा प्लांटेशन टैंक रेडी कर दें, क्योंकि हमारे पास तो अभी फ़िलहाल के लिए ये वाला ही टैंक खाली है, बाकी सारे टैंक फुल है, मतलब ये भी खाली हो जाएगा सेनेगल निकलने के बाद। तो अभी ना मैं ध्रुव को आने देता हूँ, ध्रुव आने के बाद हम ये टैंक है ना उठा यहाँ से उठा कर यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। तो ध्रुव भाई भी आ चुका है। ओए क्या भाई इतनी छोटी क्यों लेके आया यार, उनके लिए बहुत अच्छी है, ज़्यादा बड़ी मतलब साइज में बहुत बड़ी थी फिर वो ज़्यादा बड़ी। हाँ यार चल ठीक है कोई नहीं, चल ध्रुव हाँ वहाँ पे रख दे गिनी पिग्स के अंदर, ठीक है वहाँ पे रखना है भाई। सुनना उस कोने में रख दोनों के दोनों, हाँ दोनों रख, एक हमारे फीमेल गिनी पिग के लिए और एक हमारे मेल गिनी पिग के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमारे जो गिनी पिग के मटके थे हमने वो रख दिए, मतलब उनका भी होम भी हो गया और उनके लिए अभी सब हो गया ना ध्रुव, अभी क्या चीज़ बाकी और कुछ थोड़े कुछ खेलने के लिए चीज़ें लेके आएंगे यार पेट शॉप जाकर, ठीक है फिर वही देखते हैं। हाँ तो है ना हम कल या परसों में पेट शॉप जाऊंगा और इनके लिए कुछ चीज़ें लेके आएंगे। मेरी बात क्या बोल रहा, ये वाला टैंक सेटअप अपन कंप्लीट कर देते हैं, ओके ठीक है चलेगा चलेगा। फिर अभी ना ये वाला अपने को यहाँ से उठा कर वहाँ पे रखना है, और जो मिट्टी ना अच्छे से धो लेंगे, मिट्टी मतलब जो सैंड है ना अच्छे से धो लेंगे, ठीक है चलेगा। तो है ना दोस्तों इस वाले टैंक को लेकर एक दिक्कत हो चुकी है हमारी, मतलब ये देखो यार इसे ना थोड़े बहुत शार लटक चुके हैं। ध्रुव अभी एक शार का क्या करेंगे यार, देख गिले गिले थोड़ा गीला कर लेते हैं, थोड़ा धो लेते हैं यार इसको, ठीक है।
तो दोस्तों हमने ये पूरा टैंक क्लीन कर दिया, इसे हमने ना थोड़ा बहुत स्प्रे मार दिया और जो गीले फटके से ना अच्छे से इसे पोंछ दिया। तो अभी इसकी धूल, इसके क्षार वगैरह सब निकल चुके, तो ध्रुव अभी इसे उठाते और इस जगह पे शिफ्ट करते, ठीक है? ओके ओके। तो दोस्तों हमें ये वाली सैंड डाल यहाँ पर डालते हुए बहुत दिक्कत होने वाली है भाई, देखते हैं अभी। हाँ यार कैसे उठाएंगे यार ध्रुव अभी इसे, देखते हैं भाई ट्राई करके देखते हैं कैसे उठाएंगे। इतनी ज्यादा भारी ना यार ये सैंड, हमने कैसे लाई भाई अपने को पता है भाई, बहुत भारी भाई। ये कितने किलो का है? ये कम 20 kg का सैंड है भाई ये, ठीक है? आपको लगेगा नहीं 20 kg का बैग है भाई। चलो भाई ध्रुव नीचे से टूट जाएगा, पड़ गई थी, उठा फिर। ठीक है तो अभी ना दोस्तों हम इसे ना उठाकर यहाँ पे रखते हैं, फिर मैं आपको मिलता हूँ। ध्रुव उठा भाई। तो फाइनली दोस्तों ये वाला सैंड हमने यहाँ पे ऐड कर दिया भाई, बहुत मेहनत लगती है यार इसको। तो यहाँ पे तो दोस्तों पहाड़ बन चुका है पूरा पूरा। तो ध्रुव अभी इसे अपने को क्या करना है, मुझे पेट शॉप वाले भाई क्या बोले, एक मिनट यार उतरने दे। ओके तो अपने को इसे अच्छे से फैला लेना है, फैलाने के बाद अपने को ये वाले जो प्लांट से ये अच्छे से धोकर उसमें ऐड कर देने। ओके सिंपल। ओके ये वाली चीज हमें ये फैलाने को मदद करेगी। हाँ ना यार ये मुझे पता ही नहीं था यार, अपने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। चलो अभी हम इसे अच्छे से फैला लेते, ये बड़ा अच्छा है भाई। ये ध्रुव ये तो ज्यादा ही हो रहा है यार, कोई नहीं है, धीरे धीरे करना होगा, धीरे धीरे करना होगा। दोस्तों अभी इसे हमने अच्छे से फैला दिया है। ओके ध्रुव अभी तू सुन ना, वो जो प्लांट्स हैं तो अच्छे से धो ले यार। ओके तो चल तू प्लांट्स धो, मैं तब तक और अच्छे से फैला ले, तो फिर अपने ऐड कर देंगे। ओके हाँ अच्छे से धो लिया भाई मैंने ये सब। ओके चलो अभी एक एक करके ऐड कर देते हैं, अभी एक एक करके मैं ना सारे ऐड कर देता हूँ। एक एक दे भाई, इसे हमें अच्छे से यहाँ पे लगा देना है। ध्रुव यार मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा है वहाँ पे। तो दोस्तों अभी मैं ना सब प्लांट्स लगाकर आपको मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो टैंक है प्लांटेशन टैंक वो बनकर रेडी हो चुका है भाई, मेरे जिंदगी का फर्स्ट लाइव प्लांट सेटअप है भाई ये, ठीक है ना? लाइव प्लांट टैंक सेटअप है यार, मैंने फर्स्ट टाइम किया यार। अभी देखते हैं मैं इसमें पानी भरता हूँ, अभी देखते हैं ये प्लांट्स खड़े रहते हैं कि नहीं। ये ध्रुव यार एक बड़ी गलती हो गई यार अपने से। क्या है यार सूखे पत्ते नहीं निकाले यार, ये देखना ये सूखे पत्ते देखना। तो ना दोस्तों हमने जो सूखे पत्ते ना यार ये नहीं निकाले, बट कोई नहीं ध्रुव ये इसे यहाँ पे गिरेंगे ना निकाल लेंगे अपन, ठीक है? ओके हाँ चलो इतनी कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी पानी भरते हैं जल्दी, यहाँ पे ना लाइट भी लगानी होगी ध्रुव, लाइट लगानी जल्दी जल्दी। ये चीज करते हुए हमारा ध्रुव भाई बहुत ही ज्यादा कॉमेडी मजा आ रहा है ध्रुव। तो ना दोस्तों हमने क्या किया, पानी लेने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी, तो हमने यहाँ से खाए भाई, यहाँ से लेकर ऐसा पाइप लगा कर और यहाँ पे अभी पानी आ रहा है क्या? ओके ओके हे ध्रुव प्लांट से खराब होंगे ना यार। ओके 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 चल तू ऐसे 2 मिनट पकड़ के रख, फिर मैं 2 मिनट पकड़ूंगा। ओके ना दोस्तों हमारा जो टैंक ऑर्डर हमने भर दिया और थोड़ा नीचे भी पानी पानी हो गया, क्योंकि ना ध्रुव ने ना बीच में छोड़ दिया था यार, ध्रुव के हाथ दुखने लगे थे तो छोड़ दिया यार, ध्रुव की वजह से सारा का सारा पानी हो गया यार। ध्रुव भाई जल्दी, तो अभी ना यहाँ पे लाइट लगा देते यार, तू पानी निकाल रहे नहीं लेगा? हाँ ठीक है, तो अभी ना यहाँ पे लाइट वगैरह लगा देते, तब तक ध्रुव जल्दी आ। क्या देख वाह बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ना यार मैंने फर्स्ट टाइम किया भाई कोई टैंक यार ऐसे, कितना अच्छा लग रहा है ना ध्रुव। एक ही दिक्कत हुई यार अपने की ना, पानी का अपने ने ज्यादा फोर्स कर दिया ना, फोर्स की वजह से क्या हुआ ना दोस्तों यहाँ पे प्लांट्स इधर उधर हो गए, बट कोई नहीं यार ये हो जाएंगे अभी टेढ़े मेढ़े ना, तो ये सीधे हो जाएंगे रात में बराबर। तो यार चलो अभी बहुत रात भी हो चुकी है और लाइट चालू रहने देते यार, ठीक है ना? थोड़े बहुत और ये थोड़े सूखे हुए जो लीव्स वगैरह है ना ये भी निकल जाएंगे 1-2 दिन के बाद। तो आपको प्लांटेशन टैंक हमारा फर्स्ट, हमारे इधर डेजी फिश का फर्स्ट लाइव प्लांट सेटअप है, तो आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट करना। तो ठीक है दोस्तों इसी के साथ मैं आज का वीडियो एंड करता हूँ, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।